नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में हर घर में तरह तरह की मिठाइयाँ तो बनती ही है। तो चलिए आज हम भी एक मिठाई बनाते हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टी भी बनती है। इस मिठाई को हम बनाएंगे सेवई से। ये जब मिठाई बनकर तैयार होगी ना, तो यकीन मानिए कि मार्केट की सभी मिठाइयाँ इसके आगे फीकी लगेंगी और ये खाने में बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट भी है। इसके अंदर किसी भी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया गया और इसे हम लगभग एक हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कुछ ड्राई फ्रूट्स। इसके लिए आप अपनी मन पसंद जो भी आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट ले लीजिए। अब एक बाउल में हम 400 ग्राम लगभग 3 कटोरी के आसपास होगा ये सेवई ले लेंगे। ये मैंने ब्रोकन सेवई ली है, आप चाहे तो साबुत वाली लेकर उसे ब्रेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे एक बड़े चम्मच देसी घी। इसे डालकर हम मिक्स करेंगे। घी की जगह पर हम बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम घी ही डालेंगे क्योंकि मिठाइयाँ तो अक्सर घी में ही बनाई जाती हैं, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब घी मेल्ट हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, तब इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच मलाई। ये मैंने दूध की फ्रेश मलाई ली है। इसे भी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस मिठाई को बिना ओवन के मैं बेक करके बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने क्रीम का इस्तेमाल किया है। क्रीम डालने से जो इसके अंदर मॉइस्चर होगा वो इस मिठाई को कुक होने में हेल्प करेगा और हमारी जो मिठाई है ये बहुत ही अंदर से क्रीमी और सॉफ्ट बनेगी। हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अब एक बर्तन को हम थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे। अब इस बर्तन में हम मिक्सचर जो हमने तैयार किया था उसका 50% डालकर हम अच्छे से फैला लेंगे और इसके किनारे में हम इसको अच्छे से प्रेस करके दबा देंगे। अब एक बर्तन में 6 से 8 टेबलस्पून डेसिकेटेड नारियल लेंगे। मैंने क्रीम वाले ही कटोरी में ले लिया है। साथ ही डालेंगे अपनी मन पसंद ड्राई फ्रूट। मैंने इसके लिए काजू, बादाम, मगज और किशमिश लिया है। 1 टेबलस्पून फ्लेवर के लिए हरी इलायची और 2 टेबलस्पून मैंने लिक्विड खोया लिया है। इसे मैंने 1/2 लीटर दूध को पकाकर बनाया है। अगर आपके पास रेडीमेड है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मिश्रण को हम सेवई के ऊपर फैला देंगे, लेकिन साइड में लगभग 1 इंच के आसपास हम खाली ही रहने देंगे। सेवई के ऊपर अच्छे से हम मिक्सचर को फैला देंगे, फिर इसके ऊपर बची हुई सेवई को भी डालकर हम फैला देंगे। अब किसी फ्लैट बॉटम के किसी बर्तन से या मैशर से हम इसे प्रेस करके अच्छे से सेट कर देंगे, ताकि जो अंदर हमने जो मिक्सचर डाला है वो बाहर की तरफ ना फैले और ऊपर का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, ताकि जब हम इसको पलटे तो ये टूटे नहीं। अब हम एक मोटे तले के बर्तन को गर्म करेंगे। मैंने इसके लिए कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। उसको गर्म करके इस बाउल को रखेंगे और इसे हम लगभग 15 मिनट के लिए एक साइड से हम इसे रोस्ट होने देंगे। 15 मिनट के बाद अब हम इसे कढ़ाई में से निकाल लेंगे और इसके ऊपर एक प्लेट रखकर हम इसे प्लेट में पलट लेंगे। देखिए, एक साइड से पकने के बाद हमारा कलर कितना सुंदर आया है। अब हम इसे पलट कर बर्तन में दोबारा से पकाएंगे, ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। अब दूसरी तरफ से पकाने से पहले हम इसके ऊपर डालेंगे चीनी की चाशनी, क्योंकि मिठाई तो मिठास के बिना अधूरी है। इसीलिए अब इसके ऊपर चीनी की चाशनी डालकर हम अच्छे से फैला लेंगे। इसके लिए मैंने 1 तार वाली चाशनी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो थोड़ी और ज्यादा गाढ़ी कर सकते हैं। अब इसे हम दोबारा से कढ़ाई में रखकर 15 से 20 मिनट के लिए दोबारा से पका लेंगे। हमारी सेवई की मिठाई अच्छे से पक चुकी है। अगर आपको थोड़ा सा ब्राउन कलर पसंद है तो आप इसे थोड़ा सा और पकने दीजिए। अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और ऊपर से हम ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। इसके लिए मैंने पहले इसके ऊपर
मिल्कमेड लगाया है ताकि ड्राई फ्रूट अच्छे से उसके ऊपर सेट हो सके। आप इसकी जगह पर खोया भी लगा सकते हैं या ड्राई फ्रूट को आप ऐसे ही स्प्रिंकल करके इसे सजा सकते हैं। मैंने इसे डेसिकेटेड नारियल से सजाया है और ऊपर से मैंने बादाम लगाए हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर हैं। खाने में तो यम्मी है ही, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची। इस आसान रेसिपी को आप एक बार इस त्योहार में जरूर बनाइए। यकीन मानिए आपको ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी कि हर फेस्टिवल में आप इसे एक बार बनाना जरूर चाहेंगे। अगर आपको मेरी सेवई की ये मिठाई पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे फेसबुक के पेज पिक्कल चिक्कल पर जाकर मेरी रेसिपीज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।